नमस्कार, आप देख रहे हैं TV 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। और मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक होंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय भी स्टार प्रचारक लिस्ट में शामिल है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा स्टार प्रचारक होंगे और उनके साथ सुरेश पचौरी के नाम की भी घोषणा कर दी गई है। तो मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों के लिस्ट साझा की है, जारी कर दी है और उसमें तमाम दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी स्टार प्रचारक होंगे। चुनावी शंखनाद हो चुका है और लगातार बीजेपी एक्शन मोड में है और उनकी तरफ से प्रचार प्रसार के लिए तैयारी की जा रही है। एक लिस्ट तैयार की गई है, उसमें 40 दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार करेंगे और जिसमें से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल और उसके साथ छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी स्टार प्रचारकों के लिस्ट में शामिल है। और ये दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। चुनावी शंखनाद बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, लगातार बीजेपी एक्शन मोड में है, तमाम तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई है। 40 दिग्गज नेताओं को मध्य प्रदेश की धरती पर उतारा गया है। वो लिस्ट स्टार प्रचारकों की बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है जिसमें तमाम दिग्गज नेताओं के नाम शामिल है। चाहे फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बात कर ली जाए और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की बात कर ली जाए, ये तमाम वो दिग्गज नेता हैं जो मध्य प्रदेश की धरती पर जाकर स्टार प्रचार करेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी के पक्ष में तमाम तैयारियां लगातार की जा रही है, चुनावी रण है और उसके लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक यानी कि 40 दिग्गजों को मध्य प्रदेश की धरती पर स्टार प्रचार करने के लिए उतारा है। वो सूची जारी कर दी गई है, वो लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें 40 दिग्गज नेताओं के नाम हैं जो मध्य प्रदेश की धरती पर जाकर वहां पर प्रचार करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से ब्यूरो हेड नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, एक तरफ चुनावी शंखनाद हो चुका है, रण है 24 का, बीजेपी ने 40 दिग्गजों को उतारा है धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है नीरज? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरी दमखम से जो है अपनी जो राजमहिश करती नजर आ रही है। हालांकि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी पता है कि ये सुनिश्चित है, लेकिन उसके बावजूद कहीं से कसर बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है। जिस तरह से बात की जाए बूथ लेवल से मजबूत होने तक बीजेपी अभी तक तमाम जो है बीजेपी के साथ केंद्रीय मंत्री हो, विधायक हो या फिर सिर्फ मुख्यमंत्रियों को चुनावी कमान संभाले हुए हैं। जिस तरह से आज भी नामांकन लेने आया तो कई जगह आज मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहने वाले हैं और नामांकन जो है प्रत्याशी अपना दाखिल कराएंगे। इसके अलावा बात की जाए स्टार प्रचारकों की तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की अपेक्षा बीजेपी इसमें भी काफी आगे निकल गई है। स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। लगभग 40 जो स्टार प्रचारक है वो मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं, पूरे देश भर में बनाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा मध्य प्रदेश के नेताओं की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, प्रदेश अध्यक्ष शर्मा है, ज्योतिराज सिंधिया है, तो तमाम बड़े नेताओं को जो है स्टार प्रचारक बनाया गया है। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है, छत्तीसगढ़ के सीएम को स्टार प्रचारक बनाया गया। तो कह सकते हैं कि तमाम जो लोकसभा चुनाव की जो बनावटें हैं वो बीजेपी ने अपनी पूरी विशाल बिछा दी है। अब स्टार प्रचारकों के जितने हैं कि वो क्षेत्र में जाए, लोकसभाओं में जाए और जनता के बीच में जो केंद्र सरकार की जो योजना है उन योजनाओं से कितने लोगों को फायदा मिला, उन योजनाओं को जो है केंद्र सरकार को बताए जनता के बीच में पहुंचाए। इसके अलावा जिस तरह से जो प्रदेश सरकार की योजना है जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यदि किसी क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो वो मध्य प्रदेश में कितनी योजनाएं चल रही है बीजेपी के कार्यकाल में और कितना फायदा लोगों को पहुंचाया जा रहा है, ये तमाम जानकारियां देते हुए नजर आएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं बीजेपी पूरी तरह से चुनावी लड़ में उतर चुकी है और पूरी दमखम से पूरा जो बीजेपी का
चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश सरकार का नेतृत्व हो, तमाम जो दिग्गज है वो इस समय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। बिल्कुल नीरज, लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है, राजस्थान के सीएम को भेजा जा रहा है भजनलाल शर्मा को, और छत्तीसगढ़ के सीएम है विष्णुदेव साय। यानी कि अगर इसको कास्ट वाइज घुमा के देखा जाए तो इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव जनता पर कितना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल जिस तरह से आपने बात की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है, जो यहाँ भी जाएंगे तो जाहिर सी बात है दिल्ली के पक्ष में चुनाव प्रचार करके का जो बड़ा चेहरा माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ, और जहाँ भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित जरूर करेंगे। इसके अलावा बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तो डॉक्टर मोहन यादव को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि यूपी और बिहार में कहीं ना कहीं यादव जो समाज है वो काफी अधिक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी यादव समाज है वो काफी अधिक मात्रा में, तो कहीं ना कहीं यादव समाज से समझा जा सके। इसके अलावा बात की जा रही थी कि सामान्य वर्ग कहीं ना कहीं अछूता रह जाता है, सामान्य वर्ग को जगह नहीं मिलती है, तो जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो सामान्य वर्ग में पैर बना सकते हैं, तो तमाम जो मिसाल है बीजेपी है, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, युवा नेतृत्व हो या फिर मुख्यमंत्री खुद हो, धार की भूशाला में हो रहे एसआई सर्वे का आज छठा दिन है। मजदूरों की मेटल डिटेक्टर से जांच करने के बाद भूशाला में एंट्री दी गई है, और आपको बता दें कि सर्वे का काम शुरू हो गया है और सर्वे टीम के साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के लोग मौजूद हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले मंगलवार को सर्वे टीम ने 9.5 घंटे में से ज्यादा सर्वे किया था। टीम सुबह 7 बजे से भूशाला पहुंच गई थी। भूशाला में मां बागदेवी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ था। और भोपाल में चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ट्रेन के जरिए लाई गई 20 लाख से अधिक रत्न की अवैध खेप को पकड़ा है, और पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आचार संहिता लगी हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो जैसा कि हर वर्ष हर चुनाव में ऐसा होता है, जैसे विधानसभा चुनाव में हुआ था कि रेलवे स्टेशन में भी चेकिंग टीम लगाई जाती है, तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव में एक संयुक्त टीम लगाई गई थी, इस बार भी एक संयुक्त टीम आरपीएफ और जीआरपी की लगाई गई थी, जो लगातार चेकिंग करती है यात्रियों, जो आने जाने वाले यात्री हैं जिनके पास कोई संदिग्ध चीज़ ना हो। बेसिकली हम लोग चेकिंग करते हैं कोई मादक पदार्थ ना हो, कोई गांजा ना हो, जो पैसा है 50,000 रुपये से ज़्यादा कोई बिना हिसाब किताब के लेके ना जा रहा हो, या जो कीमती धातुएं हैं जैसे सोना चांदी या फिर इस तरह के रत्न वगैरह जो मिलते हैं, ये कीमती रत्न होते हैं, ये इनके पास प्रॉपर बिलिंग हो। तो ये 24 तारीख की बात है, 24 तारीख को जब रोज की भांति चेकिंग चल रही थी आरपी और जीआरपी की संयुक्त चेकिंग, तो विशाल लोधी करके एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ा बैग लिए जा रहा था। जब बैग को खुलवाकर देखा गया तो उसमें रत्न थे ढेर सारे, जिसमें रत्न में जो आप जानते होंगे कि हीरे होते हैं, रूबी होता है, नीलम होता है, पुखराज होता है, और भी अलग अलग तरह के रत्न होते हैं, माणिक वगैरह। तो इनके संबंध में जो रसीद पूछी गई तो उसके पास कोई रसीद। और भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ करते हुए बदमाशों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित ने थाने में FIR दर्ज करवाई है। मंगलवारा थाने इलाके के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि बदमाशों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। एक तरफ आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन उसके बाद भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड भोपाल से नीरज श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। नीरज, लगातार एक तरफ आचार संहिता लगी हुई, दूसरी तरफ जो बदमाशों में खौफ दिखना चाहिए प्रशासन का, पुलिस का, वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं नीरज?
लेकिन बिल्कुल जिस तरह से बदमाशों के हौसलों की बात करें तो कहीं ना कहीं काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जो तस्वीरें आपके सामने है मंगलवार थाने की, ये तस्वीरें जो है बताई जा रही हैं, इसमें एक बदमाश जिस तरह से साफ तौर से दिखाई दे रहा है, जिस तरह से जो स्कूटी है उससे तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें से बार बार हमला कर रहा है। हालांकि ये जो पूरी घटना है ये जो है सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो बदमाश है उसका नाम हमजा बताया जा रहा है, जो कि यूपी का है और इसकी अब पुलिस ने जो है तलाश शुरू कर दी है। जिस तरह से जो पीड़ित व्यक्ति है जिसकी स्कूटी को नुकसान पहुंचाया गया है, उसके बाद जो आवेदक है उसने थाने में आवेदन दिया और आवेदन देने के बाद जो है बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि उसकी शिनाख्त जो है कर ली गई है, अब पुलिस जो है तीन तरह से जांच में जुटी हुई है और उसको गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अब भोपाल में कलयुगी बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी मां की बेरहमी से पिटाई कर दी। मां से बेटे और उसकी पत्नी के मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश भी पुलिस ने शुरू कर दी है। मांधाता विधानसभा क्षेत्र के नर्मदा थाना इलाके में होली पर पैसे के लेन देन में विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी और इस विवाद में आरोपी भी घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। धर्मेंद्र और जितेंद्र करके दो भाई हैं, राजपूत समाज के हैं। जितेंद्र है जिसके की दोनों पैर उसके कट गए हैं ट्रेन में किसी एक्सीडेंट के दौरान। ये दोनों भाइयों का आपस में लगातार हमेशा झगड़ते रहते थे, कोई पैसे के लेन देन को और खाने पीने की बात को, या दोनों का कोई विवाह वगैरह भी नहीं होता था। और कल ये आशा भाई के जो है उसके कमरे पे बैठ के खाना वाना खा रहे थे, उस समय इनका आपस में कुछ विवाद हुआ, तो इस पर दोनों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें कि जितेंद्र ने उसको धर्मेंद्र को दराती या किसी ऐसे चीज़ से मार दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसमें अपराध पंजीबद्ध करा लिया है, चूँकि जितेंद्र भी अभी घायल है और उसका इलाज खंडवा में चल रहा है, तो जैसे ही वो स्वस्थ होगा तो फिर उस पर गिरफ्तारी करके उसको न्यायालय पेश। अशोकपुर जिले के राजीव गांव में लठमार होली का आयोजन किया गया। सालों से चलती आ रही इस लठमार होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया है। लठमार होली के आयोजन कार्यक्रम में शोपुर विधायक बाबू जंटेल ने भी शिरकत की। और खबर ग्वालियर से है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच और महाराजपुरा पुलिस ने उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे ट्रक को जब्त किया है। पुलिस टीम को सफलता भठेरा चौकी पर चेकिंग के दौरान मिली है और आगरा के तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि ट्रक में भरी बल्लियों के बीच छुपाकर तस्करी की जा रही थी। और इंदौर में नागा साधु बनकर लूटपाट करने वाले बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 दिनों में से एक ही थाना क्षेत्र में बदमाशों ने दूसरी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पूरे मामले में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना एरोड्रम में एक घटना और सामने आई है, जिसमें कि चंद्रपाल सिंह तोमर जो कि जिनकी उम्र 61 ईयर है और एरोड्रम थाना क्षेत्र में उनके जब जा रहे थे तो उनके पास से एक सफ़ेद कलर की जो गाड़ी आई, उसमें दो व्यक्ति बैठे हुए थे, एक ड्राइविंग कर रहा था और एक नागा साधु बन के और वो काला वो कपड़ा लगाए हुए था और रुद्राक्ष की माला पहने हुए था। उसने बोला कि तुम मुझे अपना कड़ा दे दो और घड़ी दे दो, मैं इसको अभिमंत्रित कर दूँगा। जब उसने बोला कि नहीं मैं नहीं दूँगा तो उससे जबरदस्ती छुड़ाकर और कार से भाग गए। इस पर से थाना एरोड्रम में आईपीसी सेक्शन 392 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इस तरह की 2-3 घटना और सामने आई है। और मध्य प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी के नए नए मामले रोजाना सामने आ रहे हैं और ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया। ऑनलाइन दी वाइन ग्रुप के माध्यम से फरियादियों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें 29 मार्च तक रिमांड पर लिया गया है। क्राइम ब्रांच एडिशनल DCP राजेश दंतोटिया ने बताया कि फरियादी महिला द्वारा शिकायत दी गई थी कि वाइन ग्रुप के माध्यम से पहले उन्हें एक ऑनलाइन लिंक भेजी गई थी और लिंक में ग्रुप ऐड होने के लिए कहा गया था और शुरुआत में 50,000 राशि जमा करने के लिए कहा गया और विदेश में ऑनलाइन शराब बेचने और अच्छा मुनाफा देने का वादा किया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो ठगी का शिकार हुई तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दी और पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है।
ये एक TWG द वाइन ग्रुप इसके नाम से एक शराब कंपनी अपने आप को बताकर ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया था, जिसमें थाना क्राइम ब्रांच में 420 IPC सेक्शन और 409 के तहत केस रजिस्टर किया गया था। ऐसे फरियादी के द्वारा ये बताया गया कि इनके द्वारा ऐड दिया गया था, जिसमें एक ये बताया गया था कि आपको प्रॉफिट मिलेगा ऑनलाइन, अगर आप शराब खरीदेंगे तो उसका विदेशों में बेचकर उसमें अपन प्रॉफिट इसमें कमाएंगे। उनके द्वारा एक मुझे लिंक भेजी गई, लिंक के बाद उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। व्हाट्सएप ग्रुप में कुल 927 लोग, 927 लोग और थे उनके द्वारा भी ये किया जा रहा था। तो मेरे द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया, शुरू शुरू में इन्वेस्टमेंट में थोड़ा थोड़ा उनके द्वारा प्रॉफिट दिया गया, फिर मैं लगभग 4.5 लाख इन्वेस्ट कर दिए, तब फिर इनके द्वारा मुझे मतलब कोई भी रिवर्ट, कोई भी मतलब जवाब नहीं दिया गया। तो इस पर थाना क्राइम ब्रांच में FIR। और अब बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की खबरों का। बीजेपी के बस्तर जगदलपुर में नामांकन रैली आज है और बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप दाखिल करेंगे नामांकन। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, नामांकन रैली में CM विष्णुदेव शाय शामिल होंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देवी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। रैली से पहले आम सभा को भी संबोधित करेंगे CM साहब। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि बस्तर में बीजेपी की नामांकन रैली है, रैली से पहले आम सभा को CM विष्णुदेव साय संबोधित करेंगे। बीजेपी के बस्तर जगदलपुर में ये रैली है, बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसको लेकर तमाम कद्दावर नेता वहां पर पहुंचेंगे, रैली में शामिल होंगे। खुद CM विष्णुदेव और उनके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे, लेकिन इससे पहले वहां पर विष्णुदेव साय आम जनता को संबोधित भी करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बीजेपी की तरफ से लगातार तैयारियां जारी, आज नामांकन किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है हिमांशु? देखिए, बस्तर लोकसभा के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों पूरी दमखम से अपनी ताकत से बस्तर में झोंकते नजर आएंगे। जिसमें बात करिए भारतीय जनता पार्टी की, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के साथ साथ पूरे लोग है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। भाजपा के तमाम नेता है वहां पर, पूरी ताकत वहां पर झोंकेंगे। बात करिए कांग्रेस की, तो जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो वहां पर बस्तर में ताकत झोंकते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियां वहां पर अपनी पूरी दमखम दिखाएगी, और जिस तरह से कल नामांकन की वापसी की तारीख रहेगी और नामांकन की समीक्षा कल होगी, तो जिस तरह से आज नामांकन की अंतिम तिथि पर दोनों राष्ट्रीय पार्टी अपना नामांकन वहां पर दाखिल करेंगे, जिस तरह से कवासी लखमा कांग्रेस के प्रत्याशी और भाजपा से महेश कश्यप वहां के प्रत्याशी है, तो दोनों अपने प्रत्याशियों के पक्ष पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों वहां पर ताकत झोंकते नजर आएंगे। और जिस तरह से इस बार जो उप मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि हमने लोकसभा पिछले बार हम चूक गए थे, लेकिन इस बार वहां से हम दमखम से हमारे प्रत्याशी महेश कश्यप वहां से जीत सामने आएंगे, और कुल मिलाकर 11 के 11 सीट छत्तीसगढ़ से हम जीतने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी तैयारी है आज बस्तर में शक्ति दिखाने की है दोनों पार्टियों की, और जिस तरह से बस्तर में आज पूरी दमखम से दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं वहां पर जो है डेरा जमाएंगे, और पूरे शीर्ष नेताओं से लेकर तमाम कार्यकर्ता है वो हजारों के तादाद पर वहां पर पहुंचेंगे, और एक के बाद एक दोनों बड़ी सभा को वहां पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के साथ पूरे तमाम मंत्री है और क्षेत्र के बड़े नेता है वहां से रैली में शामिल होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम सारी जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं आज बीजेपी शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने प्रत्याशी महेश कश्यप का नामांकन दाखिल करेगी। बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन रैली में CM विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत प्रदेश के दिग्गज नेता बस्तर में जुटेंगे। तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी शामिल होंगे और एकजुटता और दमखम से पार्टी की मजबूती प्रदर्शित करते हुए सारे दिग्गज नेता नजर आएंगे। नामांकन से पहले CM विष्णुदेव साय आम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे पूर्व CM भूपेश बघेल। बस्तर में नामांकन रैली में भूपेश बघेल शामिल होंगे। बस्तर से प्रत्याशी कवासी लखमा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान भूपेश बघेल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। शाम 6 बजे भानु प्रतापपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि भूपेश बघेल बस्तर दौरे पर रहेंगे, यहां पर उनके प्रत्याशी लखमा आज नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। आज दुर्ग दौरे पर रहेंगे पूर्व CM भूपेश बघेल और पाटन में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, 27 मार्च को बस्तर जाएंगे पूर्व CM
भूपेश बघेल और आज दुर्ग दौरे पर रहेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। यहां पर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वो सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में भूपेश बघेल पाटन में शामिल होंगे और दुर्ग दौरा काफी बेहद अहम माना जा रहा है। पाटन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दुर्ग दौरे पर रहेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उसके साथ ही पाटन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भूपेश बघेल शामिल होंगे। और जिस हिसाब से एक तरफ चुनावों की तैयारियां चल रही है, दूसरी तरफ लगातार धरातल पर जाकर जनता से रूबरू होने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से जारी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार धरातल पर जाकर जनता से रूबरू हो रहे हैं और यही वजह है कि एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस की तरफ से हर जिले में किया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, दुर्ग दौरा भूपेश बघेल का कितना अहम माना जा रहा है, कितना खास माना जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? हिमांशु, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो लगातार जब कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई थी उस सूची के बाद से लगातार इतनी सक्रियता मोड़ पर भूपेश बघेल दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में दो सीट अब तक जीतते रही है कांग्रेस, उस मिथ्या को तोड़ते हुए इस बार ज्यादा से ज्यादा सीट कैसे छत्तीसगढ़ में जीता जाए 11 में से, इसको प्रयास के लिए लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रयासरत है। स्वयं अपने सीट के साथ साथ वो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र पर भी जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और जिस तरह से अभी वो दुर्ग के साथ साथ बस्तर 11:30 बजे रैली है, वहां पर नामांकन रैली पर शामिल होंगे, वहां पर शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस की होगी। तो कुल मिलाकर बस्तर में शक्ति प्रदर्शन के बाद वो कहीं ना कहीं अन्य जो जगहों पर बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और एक के बाद एक वो चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। सरगुजा से शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया गया और वहीं रायगढ़ से मेनका देवी सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव को मैदान में उतारा गया। कांकेर से बीरेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है। तो कांग्रेस ने तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी लगातार अब कांग्रेस कर रही है। सरगुजा से शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। सरगुजा से जो पहले उनके सांसद थे उनका टिकट काटा गया, उनको दरकिनार किया गया, उसके बाद एक बार फिर से महिला को उम्मीदवारी दी गई है। और कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा के नामांकन दाखिल करवाने और आम सभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात की है। इस दौरान उन्होंने कवासी लखमा पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर FIR के मामले पर बयान देते हुए कहा कि ये BJP की चाल है जो कवासी लखमा के पुराने फोटो को दिखाकर लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस का नाम बदनाम कर रही है। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है, FIR दर्ज हुई है कवासी लखमा पे, पैसे बांट रहे हैं, पैसे बांटने का आरोप लगा, निर्वाचन आयोग ने FIR कराया है, निर्वाचन अधिकारी ने लगा। ये ऐसा है कि शासन की दुकान से मोदी जी का फोटो लगा हुआ फैला बात है और सभी दुकानों में उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कवासी लखमा को पता नहीं क्यों कौन से वीडियो कब का है, उसके आधार पर FIR कर रहे हैं। अभी इसके पास और रह क्या गया है, अब तो डबल इंजन की है, वहाँ भी उठा आईडी है, इंटेलिजेंसी भी उठी है, यहाँ नहीं वहाँ का वो आईडी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए BJP ने बस्तर से जहां बहुत पहले ही अपने प्रत्याशी महेश कश्यप के नाम पर मुहर लगा दी थी, वहीं कांग्रेस ने काफी मंथन के बाद आखिरकार वर्तमान सांसद दीपक बैज पर भरोसा न करते हुए कोटा में 6 बार के विधायक रह चुके कवासी लखमा पर अपना भरोसा जताया है। उन्हें लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है और एक और जहाँ महेश कश्यप वहीं लोगों के बीच अपने बातों के जादू से सबके बीच काफी लोकप्रिय कवासी लखमा है। अपने जादुई अंदाज और विवादित
मुलाकातों के लिए जाने पहचाने जाते हैं और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि पाक कांग्रेस पार्टी कितनी डरी हुई है, घबराई हुई है। मौजूदा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष के टिकट काटना ये कांग्रेस को भारी पड़ेगा। कांग्रेस हार मान चुकी है, बस्तर में कमल खिलेगा और हमारे महेश कश्यप भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। बताता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी डरी हुई है और घबराई हुई है। मौजूदा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष की टिकट काटना ये कांग्रेस को भारी पड़ेगा। हमने वहाँ पर एक युवा ऊर्जावान महेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया है और जिस प्रकार से मौजूदा सांसद की टिकट बस्तर में कांग्रेस पार्टी ने काटी है, कांग्रेस हार मान चुकी है और बस्तर में कमल खिलेगा, हमारे महेश कश्यप भारी बहुमत से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़।